कि आप भी एक अच्छे ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो मैं आपको चार पॉइंट्स बता रहा हूँ। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, इनको फॉलो करके एक बहुत अच्छे यूट्यूबर और एक बहुत अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। मैं हूँ आपका कुमार। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्रिएटिव ब्लॉग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे सबसे फर्स्ट वीडियो आप तक ही पहुंचे, और शेयर भी करिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों तक पहुंचूं और एक अच्छा टॉपिक लगे और अच्छा टारगेट लगे, आप सबको मजबूत करूं। गाइस, वो चारों पॉइंट है टारगेट, टॉपिक, टूल्स और कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप में ये चारों हैं तो आप एक बहुत अच्छे यूट्यूबर, बहुत अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं, और अगर आप में नहीं है तो आप खुद अपने अंदर डेवलप करके भी एक बहुत अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना होगा कि आखिर वो चार पॉइंट है कौन से। तो दोस्तों, इस पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे ब्लॉगर नहीं बन सकते। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं जो आपको चार पॉइंट्स बता रहा हूं इनको फॉलो करिए, क्योंकि आपको एक अच्छे ब्लॉगर बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा ताकि आप अगर बिगिनर भी हैं तो इन पॉइंट्स को समझ सके। तो अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट है टारगेट। दोस्तों, सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड करना होगा कि आपको व्लॉगिंग करनी है या नहीं करनी, आपको एक अच्छा यूट्यूबर बनना है या नहीं बनना। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो कितने दिन में अपलोड कर रहे हैं। यानी कि अगर एक मंथ में जो है अगर आप एक वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका चैनल आपका ग्रो नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कम से कम एक हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आपको अपलोड करने ही होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। व्लॉग्स में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, तो आप पर डे एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी कर सकते स्टार्टिंग में तो आप कम से कम हफ्ते के 4 वीडियो 3 वीडियो तो अपलोड करिए, तभी आपका चैनल जो है ग्रो कर पाएगा। और अपना सेकंड पॉइंट है टॉपिक। गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पॉइंट तब काम आता है जब आप कुछ करने जा रहे हैं। यानी कि अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आप किस पे व्लॉग करेंगे। यानी कि आप एडवेंचर का व्लॉगिंग करेंगे, घर पे रहकर व्लॉगिंग करेंगे, या किसी फ्रेंड के साथ व्लॉगिंग करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होता है। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो आपका टॉपिक क्या है, यानी कि आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाएंगे। वैसे तो टॉपिक अधिकतर ब्लॉगर जो हैं वो निर्धारित नहीं करते, वो क्या करते हैं बनाते जाते हैं, और उनको जब लगता है कि ठीक है इसका टॉपिक ये हो गया, हमने बना तो लिया, इसका टॉपिक ये है और अपने ये डाल दिया। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, आपका ये जो ब्लॉगिंग जो वीडियोस है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने जो टॉपिक है उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो बना रहे हैं। एग्जांपल के लिए, आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको एक सबसे पहले स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, और या आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपका व्लॉग बहुत अच्छे से बन सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अगर जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से सीन लेने हैं और कौन कौन से उसमें वीडियो में एड करने हैं, ताकि आपका वीडियो एक शॉर्ट भी बने और एक बहुत अच्छा सा बने, जो कि ताकि लोग हैं लगातार देखें, उनको इंटरेस्ट आए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप जो वीडियो बना रहे हैं, आप जिसका वीडियो बना रहे हैं उसको आप शॉर्ट वे में दिखाना है उसको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ दिखाने जा रहे हैं और अपन कुछ उससे सीख रहे हैं, इंटरेस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ऑडियंस है जो आपको वीडियो देख रहे हैं वो बोरिंग हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। वीडियो जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं उसका शॉर्ट करके दिखाओ, और बहुत ही अच्छे मूवमेंट से उसका एक कलर शेडो आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपना टॉपिक पूरा क्लियर करना होता है, आपको वीडियो बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना वीडियो शूट करेंगे। थर्ड है टूल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो मैंने चारों पॉइंट आपको, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चारों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ 4 पॉइंटों में सब कुछ समेट के लाया हूँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो टूल्स जहाँ अपन बात करें तो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप व्लॉग के लिए जो टूल्स यूज करेंगे, अगर आप वो चीज नहीं यूज करेंगे तो आप व्लॉग नहीं बना पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप व्लॉग नहीं कर सकते, आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप व्लॉग नहीं कर सकते, आपके पास
टारगेट नहीं है, टॉपिक नहीं है जो मैं पहले मैं बता रखा हूँ, पहले जो मैं आपको पहले टॉपिक्स में पूरा बता दिया है, अगर वो नहीं है तो आप ब्लॉग नहीं कर सकते। तो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ लोग जो वीडियोस में बताते हैं, अपने व्लॉगिंग में बताते हैं, या आपने वैसे भी सुना होगा, कहते हैं कि आपको व्लॉगिंग के लिए गिम्बल चाहिए, आपको व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा फोन चाहिए, बहुत अच्छा कैमरा चाहिए, ये सब जब आप व्लॉगिंग कर सकेंगे। देखिए मैं इनके लिए नहीं बोलूंगा कि आपके लिए ये होना चाहिए। हाँ, अगर आपका लेवल हो जाए, आप में फुल कॉन्फिडेंस हो जाए, आप बहुत अच्छे से सीख जाएं, तो आप इन महंगे महंगे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हैं तो आपके पास जो भी फोन है, जैसा भी है, जो भी कैमरा है, फोन है, आप उसी को यूज करें। क्योंकि अगर आपकी स्टोरी में, आपके कंसेप्ट में अगर दम है तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना होगा कि आपके पास जो टूल है उसको यूज करिए और आपका जो टॉपिक है उसको क्लियर करिए। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा कैमरा खरीदे, बहुत बड़ा आप फोन खरीदे, या फिर आप एक जो माइक्रो लेंस खरीदे, या फिर वाइड एंगल वाला लेंस खरीदे, ये कुछ भी किसी की आवश्यकता नहीं है। एक कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, एक इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये टूल्स तो सिर्फ इतने ही होते हैं कि ठीक अपन जो है शूट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो चीज़ है आप इसी को यूज करिए, और अगर नहीं है तो आप सिंपली दो चीज़ बता रहा हूँ उनको खरीद लीजिए, बस उसी से ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे आप डेली वीडियो बना के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको फ़ोन खरीदना पड़ेगा, हाई लेवल वाला फ़ोन की आवश्यकता नहीं है, आपके पास जितना बजट है उतना आप फ़ोन खरीद सकते हैं, बस उसमें एक कैमरा होना चाहिए। और एक आपको खरीदना है, एक माइक आता है, ये 250 से लेके 1000 तक जाता है, तो आप नॉर्मल वाला खरीद लीजिए, 250 NF इतना वाला काफ़ी है। तो आराम से उसको खरीद के उसमें अटैच करके और आप बहुत अच्छा व्लॉग बना सकते हैं। और इसको हैंडल कैसे करना है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप यह ध्यान में रखिए कि आपको क्या क्या टूल्स और किन किन पॉइंटों का ध्यान में रखना है। और अपना फोर्थ आता है कॉन्फिडेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके टूल, आपके टॉपिक, आपके ब्लॉग, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। अगर ये नहीं है तो आप व्लॉगिंग या कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जितने आपके पास टॉपिक हैं, जितने आपके पास टूल्स हैं, इन सबको आप तब यूज करिए जब आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। और अगर नहीं है तो आप थोड़ा बिल्डअप करिए, थोड़ा आप स्टडी करिए, थोड़ा लगातार बनाइए, हिम्मत रखिए, बार बार स्टडी करेंगे, बार बार सीखेंगे, देखेंगे, बनाएंगे, तो आप में खुद में ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपको हर वीडियो में कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ेगा कि आप जो टॉपिक सोच रहे हैं, आप जो टूल ले रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल है, और आप सबसे पावरफुल है कि आप बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो आप ये कभी मत देखिएगा कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास अच्छे पैलेस नहीं है, ये मत देखिए। आप जहाँ भी हैं, आपके पास जो भी टॉपिक है, बस उसी टॉपिक को कंप्लीट करो, परफेक्ट करो, और आपके पास जैसे कपड़े हैं उनको तरीके से पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक व्लॉग शूट करो, बहुत अच्छे से व्लॉग शूट करो, और उसको अच्छे से एडिट करो, और उसको अपलोड करो। आप हफ्ते में कम से कम हो सके उतने ज़्यादा वीडियो अपलोड करो। यानी कि ब्लॉगिंग क्या होती है कि ये डेली दिनचर्या होती है, तो वो डेली आप डालेंगे तो और भी बेस्ट है। अगर नहीं डाल सकते तो कम से कम हफ्ते के 3 से 4 वीडियो तो आप अपलोड करिए। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको फॉलो करो। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या टॉपिक और सोचना चाहिए, क्या क्रिएटिव होना चाहिए, और दूसरी बात क्या आपके पास टूल होना चाहिए। आपके पास जब बजट बने तो आप खरीद भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है उन्हीं को यूज करिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए, और लग जाए पूरे जज्बे और जोश के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।